से सोशित की पांच बहुएं। रुको लवली, कहाँ जा रही हो तुम? मैं तुम्हें नीचे नहीं जाने दूंगी लवली। आज हर हाल में मैं अपने घर वालों के पास जाके सच्चाई बताऊंगी। लवली देना देना, वो क्या गया तुम्हें? हम तुम्हें इतनी देर से बुला रहे हैं, सुनाई नहीं देता क्या? मासा ने तो कुछ कहा ही नहीं। हम दोनों को एक साथ देख के हैरानी क्यों नहीं हो रही? मासा, मासा क्या हो गया आपको? मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही? देखिए मैं लवली हूँ, अम्मा से बताइए ना मासा को कि मेरी बात सुन। माँ जी, वो क्या है ना, लवली दीदी बहुत जल्दी में घर से बाहर चली गई ना, इसीलिए उन्हें बचाने के लिए मैंने झूठ कह दिया। रिया बहू, जरा उसे फोन लगाओ। उसे पूछ वो कितने बजे तक आएगी, हमें सिब्बू के सम्मान समारोह में जाना है। हेलो भाभी। मॉम जी, रिंग तो जा रही है लेकिन फोन नहीं पिक कर रही। नैना तो घर पे है ही, जब लवली आएगी तो ये उसे बता देगी कि हम शिबू भैया के अवार्ड सेरेमनी में गए हैं। नैना, जैसी लवली आए तुम उसे तुरंत बता देना। क्या हुआ लवली? जब तक मुझे मनी नहीं मिल जाती तुम ठीक इसी तरह रहोगी गाय। मेरे अलावा ना तो तुम किसी को दिखाई दोगी ना ही किसी को सुनाई दोगी। मजे करो बस। साड़ी ले लो, बनारसी सूती साड़ी। आप कौन? इसका मतलब तुम लवली ही हो, वरना हमारे मूर्ति फेंकते ही तुम्हारी आंखें हरी हो जाती। भैरवनाथ, ये क्या बनकर आए थे आप? ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ मणि कहाँ है? जितनी जल्दी तुम मुझे मणि दोगी उतनी ही जल्दी तुम्हें नागिन से छुटकारा मिल जाएगा। लवली, लवली, इस दुष्ट की बातों में मत आना, इससे डरने की जरूरत नहीं है लवली। इस परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये, जब तक इसके पास मणि की शक्ति नहीं है ना लवली, ये भले सच्चे और ईमानदार लोगों का कुछ नहीं कर पाएगा लवली। मैं तेरे घर वालों का क्या हाल करता हूँ देख। भैरवनाथ, इस घर की अच्छाइयों ने तेरी मायावी शक्तियों को कमजोर कर दिया है। अब तो देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। मणि चाहिए ना तुझको? रुक तू। अब क्या करेगा तू? हाँ, क्या बिगाड़ लेगा मेरा? ज्यादा शेखी मत दिखा जहरीली नागिन। बहुत जल्द तेरी सच्चाई सबके सामने होगी। कौन लाएगा मेरी सच्चाई बाहर? लवली।